हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि मैं क्या कहने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं डेली वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं तो कोई ना कोई रील पोस्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत छोटी सी रील बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ रील्स मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। नहीं तो मेरी बहुत सारी पुरानी रील्स है, वही पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन यूट्यूब पर मैं वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, है ना। तो इधर बीच में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको लोगों को छोटा सा अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ शिफ्टिंग को लेकर। तो हाँ, फाइनली हमारा ट्रांसफ़र जो है वो लखनऊ से बाहर हो गया है कहीं, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। घर देखने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है और लखनऊ से बहुत दूर हमें ट्रांसफ़र मिला है। मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि हर 5 साल में 6 साल में हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अब लखनऊ को भी बाय बाय कहने का समय आ गया है, लेकिन लखनऊ छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जो पहचान मिली है ना, वो हमें लखनऊ से ही मिली है। जैसे जब मैंने लखनवी ब्लॉगर पारुल करके अपना नाम रखा अपने चैनल का, तो मेरा बहुत अच्छा ग्रो किया इंस्टाग्राम पर। मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए, तो लखनऊ से मुझे बहुत अच्छी पहचान मिली है। तो मैं सोच रही हूँ कि नाम तो चेंज मैं अपना नहीं करूँगी। और मैं किस शहर में जाने वाली हूँ, आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस शहर में जाने वाली हूँ, अब मैं कौन कौन से फॉलोअर्स से मिलने वाली हूँ, ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और इधर भी आपको पता होगा, जब हम शिफ्टिंग करते हैं घर की, तो कितने सारे काम हो जाते हैं हमारे पास, कितनी सारी मतलब एक हेडिक जैसी हो जाती है ना, कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है, हमें घर देखना है, हमें एरिया देखना है, स्कूल देखना है, सब कुछ देखना होता है। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है लखनऊ से बहुत दूर हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर हुआ है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। दूसरे शहर में हम जाते हैं, किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वहाँ हाउस लेना, स्कूल करना एक टास्क जैसा हो जाता है ना, उस टास्क को हमें कंप्लीट करना होता है। अच्छा स्कूल देखना, अच्छा घर देखना, अच्छा एरिया देखना, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम होता है सच में। और ऐसी जगह ट्रांसफ़र की हमें, जहाँ पर हमारा कोई ना हो, जिसे हम जानते ना हो, मतलब उस जगह ट्रांसफ़र की हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, वहाँ पर उस जगह घर लेना मतलब रहना, तो बहुत टफ लगता है ना, बहुत डर भी लग रहा है मुझे कि कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँ, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना शिफ्टिंग का, कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे शिफ्टिंग का। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, कि अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस ली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने भी मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस ली, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और मूवर्स एंड पैकर्स वाले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सारा सामान हमारा ले जाते हैं, और काम भी हमारे ऊपर थोड़ा कम पड़ता है ना। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें खुद पैक करना होता है, मूवर्स एंड पैकर्स वालों के सहारे भी हमें नहीं वो चीज़ें छोड़नी होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही पैक करनी होती हैं, खुद ही अनपैक करनी होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स भी दे दूँगी, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो भी गया है मुझे, सच बताऊँ बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे शिफ्टिंग का। तो जब मैंने पहले सुल्तानपुर से लखनऊ शिफ्ट किया था, तो मेरा सामान जो है ना, एक भी सामान टूटा फटा नहीं था। मैं बहुत ही अच्छे से मैंने सारा चीज़ पैक किया था, वो सारा सामान मैंने ही पैक किया था। पिछले वीडियो में आप देख भी लेना, पुराने बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा, सारा सामान मैंने खुद पैक किया था, बहुत अच्छे से मेरा सामान आ गया था। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है चीज़ों का, कैसे हमें क्या करना है। मुझे किसी के भरोसे पहली बात तो नहीं रहना है, मेरा पहला फंडा है कि मैं किसी के भरोसे नहीं रहती हूँ। जो काम मुझे करना है भाई, मैं कर लेती हूँ, मुझे पता जितने अच्छे से मैं कर लूँगी कोई दूसरा नहीं कर पाएगा मेरे मन के मुताबिक, है ना। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई चल रही हूँ। तो अभी 2 से 3 दिन बाद मैं जाऊँगी, जहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ है वो लखनऊ से, मतलब बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ना कि मैं किस शहर में जा रही हूँ, है ना। कहीं आपके शहर में तो नहीं जा रहे हैं, हम आपके शहर में तो नहीं जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो आगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पहले हमारा सारी चीज़ें फाइनल हो जाए, हाउस वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 2 से 3 दिन में हम लोग जाएंगे दूसरे शहर में, वहाँ पर हाउस देखेंगे, स्कूल देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ मैनेज करके आएंगे, उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। बाकी सारे वीडियोस आपको हमारे रील्स पर, इंस्टाग्राम पर भी मिलते रहेंगे, सारे अपडेट जो है वो आपको मिलते ही रहेंगे। तो अब लखनऊ को बाय बाय कहने का समय आ गया है, कोई दूसरा शहर हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम वहाँ जाएंगे और फिर से अपना सारी चीज़ें सेट करेंगे और फिर से अच्छे से रहेंगे, नई नई रील्स बनाएंगे, नया नया आपको लोकेशन देखने को मिलेगा, नया बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो नई नई हमारी किचन भी मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए, हाँ। लेकिन मुझे बहुत दुख है सच में, मुझे मतलब ये घर छोड़ने का जितना दुख है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि
एक यादें जुड़ जाती है ना। और इस घर में सच में मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरी इस घर की। तो मुझे दुख भी हो रहा है कि जब हम इस घर को छोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना वो जुड़ जाते हैं उस चीज़। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना कि बहुत जल्दी जुड़ती हूँ हर चीज़ से, यहाँ तक कि अगर कोई मेरी चीज़ है पहनने वाली लगाने वाली कुछ, तो मैं उससे भी बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ। तो इंसान और घर तो बहुत ही अलग बात हो गई है ना, उससे भी मैं बहुत जल्दी जुड़ जाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार है ना कि हम किस शहर में जा रहे हैं, तो जल्दी हम आपके साथ शेयर करें कि हम किस शहर में जा रहे हैं और हम कौन कौन से फॉलोअर्स से, कौन कौन से सब्सक्राइबर्स से मिलने वाले, सब कुछ आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। किस तरह से मैंने शिफ्टिंग की है वो भी आगे आपको वीडियोज हमारे मिलते रहेंगे, कैसे कैसे मैंने शिफ्टिंग की है, क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सी टिप्स, मैं सब कुछ आगे आपको वीडियोस में देती रहूंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बस अब लखनऊ छोड़ने का समय आ गया है, तो जल्दी मिलती है आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। सारे अपडेट आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिलती रहेगी, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। और अगर इस यूट्यूब पर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलती है आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।